एक गांव में मोटू अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। मोटू सब्जियां बेचकर अपना और अपनी बीवी बेटी का पेट पाला करता था। एक दिन पतलू के घर उसकी पड़ोसिन आती है। अरे अरे पतलू, देख तो सही, तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। एक तो तू टकली है और ऊपर से तूने इतनी बुरी ड्रेसिंग की है, तुझे तो फैशन सेंस ही नहीं। और ऐसे ही वो पतलू को बहुत सारी बातें सुनाकर चली जाती है। धीरे धीरे समय इसी तरह बीत रहा था। एक दिन मोटू एक सुंदर से घर के सामने से गुजरता है। अरे जॉन भाई, ये घर तो चाय वाले का है ना, लेकिन चाय वाला इतना अमीर कब से हो गया? अरे अरे भाई, तुझे नहीं पता, चाय वाला विलॉग्स बनाता है, फैमिली विलॉग्स। तभी उसके पास डॉलर्स आते हैं और ये डॉलर्स उसने खर्च किए हैं। खैर, हमें क्या, मैं तो चलता हूँ। अरे, फैमिली विलॉग्स बनाने से इतने सारे पैसे आते हैं क्या? मैंने जो पैसे जमा किए हुए हैं उनसे कोई अच्छा सा मोबाइल खरीद लेता हूँ। जब मोबाइल मेरे पास आ जाएगा तो विलॉग्स बनाऊंगा और मैं भी डॉलर्स कमाऊंगा। मोटू वो सारे पैसे लेकर मोबाइल शॉप पर चला जाता है एक नया मोबाइल खरीदने के लिए। अरे बहन जी, मैंने एक उम्दा मोबाइल लेना है, मुझे कोई अच्छा सा मोबाइल दिखाओ। वैसे तो बहुत से मोबाइल अच्छे होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आईफोन है। उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये आईफोन कितने का आएगा? उसके बाद वो शॉपकीपर उसे मोबाइल की कीमत बताती है और वो मोबाइल खरीद लेता है, अपनी सारी जमा पूंजी लुटा देता है। उसके बाद वो बड़ी खुशी खुशी अपने घर वापस आने लगता है, क्योंकि अब वो डॉलर्स कमाने वाला था। अरे पतलू, जल्दी जल्दी दरवाजे बंद कर दो, सारी खिड़कियाँ भी बंद कर दो, मैंने तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जल्दी जल्दी मेरे पीछे आओ। अरे ये आपके मोबाइल में ये क्या है? ये तो आईफोन है, और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आपने आईफोन खरीद लिया? अरे वो मैंने बीसीबी डाली हुई थी और कुछ पैसे जमा किए हुए थे, तो उनसे मैंने आईफोन लिया है। तुझे पता है, फैमिली विलॉग्स बनाने से डॉलर्स आते हैं, डॉलर्स। मोटू जी, अब आप फैमिली व्लॉग्स बनाओगे? आपको पता है उनके पास कैसा कैसा कंटेंट होता है? मैं इसमें काम नहीं करूंगी। तुझे इसमें काम करना ही पड़ेगा, और वैसे भी अगर तू नहीं आएगी तो मेरा फैमिली कैसे चलेगा? देखिए मोटू जी, मैं जिस हाल में हूँ मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपने मुझ पर फोर्स करने की कोशिश की तो मैं अपनी बेटी को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी। तब मोटू को भी मजबूरन पतलू की बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो अपनी पत्नी पतलू से बहुत प्रेम करता था और उसे छोड़ना नहीं चाहता था।